हमारे संग तेजस्वी यादव का भी बयान आ रहा है। तेजस्वी यादव हैज आल्सो रिएक्टेड ऑफ द आरजेडी फॉर्मर बिहार डेप्यूटी सीएम। लेट्स प्ले आउट व्हाट ही हैड टू से आफ्टर अराइविंग इन दिल्ली। देश के लोगों ने बचाने के लिए मत किया और जो तानाशाही रही है मोदी जी उनको सबक सिखाया। देखिए इस देश में देश के लोगों का जो मिजाज है वो नफरत की राजनीति पसंद नहीं करता, वो बेकार की बातें सुनना नहीं चाहता है, काम की मुद्दे की बात सुनना चाहता है। 10 साल में मोदी जी ने कोई हिसाब नहीं दिया तो जनता ने उनको सबक सिखाया है। तो हम लोग सब लोग आज बैठक में यहाँ आए हैं, 6 बजे हम लोगों की बैठक है और देखते हैं बैठक में क्या सभी लोगों का राय बनाने की कोशिश करेंगे आप लोग, क्योंकि क्लियर मेजॉरिटी आपकी पार्टी बोली नहीं है। अभी हमको लगता है थोड़ा धैर्य रखिए, अभी देखते जाइए क्या क्या होता है। एक ही फ्लाइट में आए हैं सीएम के साथ, सर आप लोगों के साथ आए, कोई बातचीत हो या कुछ बात भी करेंगे? नहीं बात भी सब बात लोगों की ना नमस्कार प्रणाम दुआ हुई और क्या, लेकिन बाकी क्या होता आगे आगे देखते रहिए। चलिए बहुत बड़ा बयान है ये कनिका तेजस्वी यादव का, बाकी आगे क्या होता है आप देखते रहिए। क्या संकेत दे रहे हैं तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव नीतीश कुमार भी एक ही फ्लाइट पर आए हैं दिल्ली, ये क्या इत्तेफाक है या इसमें और कुछ पढ़ा जा सकता है कनिका? दूसरी बात, खबर ये भी आ रही थी सूत्रों द्वारा सुबह कि उद्धव ठाकरे ने भी संपर्क साध दिया है कुछ सांसदों से जो शिंदे गुट के हैं। उद्धव ठाकरे ने भी बड़ा बयान दिया है कि हम आज चर्चा करेंगे और शायद प्रधानमंत्री चेहरा को लेकर भी कल निर्णय हो सकता है। उद्धव ठाकरे भी किस चीज का संकेत दे रहे हैं, तेजस्वी यादव किस चीज का संकेत दे रहे हैं कनिका? बिल्कुल एब्सोल्युटली उदय, आपने तेजस्वी यादव का जो बयान है वो अपने आप में बड़ा बयान है। वो कह रहे हैं कि आगे क्या होगा उस पर बात की जाएगी, यानी कि जो इंडिया अलायंस के तमाम सहयोगी दल है वो कहीं ना कहीं इस प्लानिंग के साथ दिल्ली पहुंचे हैं कि जो 239 का आंकड़ा इंडिया अलायंस के पास आया है उसके बाद हम सरकार बनाने की कोशिश करें, हम सरकार बनाने की अपील जो है वो करें, पहल जो है वो करें, जिसमें अभी कहीं ना कहीं 50 जो सीटें हैं उसका आंकड़ा एक डिफरेंस है क्योंकि 272 चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, चाहे वो इसके अलावा तमाम जो नेता हो, वो ये नहीं कह रहे कि हम नहीं बनाएंगे सरकार और हम विपक्ष में बैठेंगे। तो बिल्कुल इंडिया अलायंस के जो तमाम सहयोगी दल हैं वो चाहते हैं कि जो ये आंकड़ा, ये जो बहुमत, ये जो जनमत मिला है उनको, इसके बाद वो सरकार बनाने की कोशिश करें। हालांकि इंडिया अलायंस की बात करें तो सबसे बड़ी पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि देश में दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो नेशनल पार्टी के तौर पर कांग्रेस पार्टी है। 99 सीट कांग्रेस पार्टी के पास आई है, हालांकि ये कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन स्टिल कांग्रेस पार्टी इस 99 आंकड़े के साथ बहुत खुश है। तो कहीं ना कहीं जो आज इंडिया अलायंस की बैठक होगी उसमें एक भूमिका कांग्रेस पार्टी की रहेगी। और मैं इस बात का बार बार जिक्र इसलिए कर रही हूं क्योंकि जिनके पास ज्यादा आंकड़ा है वो पहल करते हैं कि आखिरकार क्या करना है, और उस पूरे कंटेक्स्ट में कांग्रेस पार्टी का पलड़ा भारी हो जाता है। तो आज की जो बैठक है उसमें कहीं ना कहीं तय किया जाएगा कि 239 के आंकड़े के साथ किन नेताओं को संपर्क करना है, क्या नीतीश कुमार को फिर से लेके आना है या चंद्रबाबू नायडू को लेके आना है। और आपको याद होगा उदय, जब कल रिजल्ट आए थे तो कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से एक ट्वीट किया गया था जिसमें तमिलनाडु को स्पेशल राज्य बनाने का दर्जा जो है वो दिया जाएगा, ये वादा कांग्रेस पार्टी के हैंडल से ट्वीट हुआ था। यानी कि संकेत साफ तौर पर कल दे दिए गए थे कि आपकी जो मांग है वो हम पूरी करेंगे, आप हमारे साथ आइए। और बिल्कुल कोई बात नहीं है, इंडिया अलायंस अब बस एक ही चीज चाहता है कि बस प्रधानमंत्री को रोकना है, नरेंद्र मोदी को रोकना है और एनडीए को रोकना है, जिसके लिए चाहे कोई भी कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन क्यों ना हो अलायंस के बीच में, उसके लिए कांग्रेस पार्टी और तमाम नेता तैयार हैं। लेकिन तेजस्वी यादव की बात करें तो आज वो जो फ्लाइट थी उसमें वो साथ बैठ के आए नीतीश कुमार के, नीतीश कुमार आगे बैठे हुए थे, तेजस्वी यादव पीछे बैठे हुए थे। हालांकि जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बड़ी खुश थे। इस तरह से नीतीश कुमार की बात की जाए तो हर बार हर चुनाव में हम उनको देखते हैं, वो कभी इधर होते हैं कभी उधर होते हैं, कभी वो इंडिया के साथ कभी वो एनडीए के साथ। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की भूमिका जो है महत्वपूर्ण हो जाएगी कि आखिरकार क्या वो दोबारा पलटी मारते हैं या
जो मांगे लेकर वो एनडीए के पास जाते हैं वो मांगे उनकी स्वीकार होती है नहीं होती है। लेकिन बिल्कुल सुबह हमने दर्शकों को बताया था कि उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे के तमाम विधायक जो जीत के आए हैं, सांसद माफ कीजिएगा, उनसे संपर्क किया है। हमारे सूत्रों ने हमें जानकारी दी थी कि एकनाथ शिंदे के कई सांसद जो हैं वो उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं। तो कहीं ना कहीं तमाम जो नेता हैं वो अपने अपने राज्य में सहयोगी दलों के साथ या अलग अलग पार्टियों के साथ संपर्क। बिल्कुल।